जय श्री राम एवरीवन, मैं हूँ काजल यादव, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम टीएमयू पुणे महाराष्ट्र। तो आज मैं जर्सी में हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज में इस ईयर का कॉलेज फेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसे आप गैदरिंग भी कह सकते हैं। जी हाँ, हमारे कॉलेज में गैदरिंग होती है जो कि हमारे टाइम से ही यानी कि लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुई है। तो अभी स्पोर्ट्स चल रहे हैं, उसके बाद हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें डांस गाना सब कुछ होगा। तो इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BMS कोर्स के बारे में, उसके ड्यूरेशन के बारे में, एग्ज़ाम्स वगैरह का पैटर्न कैसा होता है, इंटरनल असेसमेंट क्या है और पीरियोडिक असेसमेंट क्या है, तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको अपने कॉलेज में स्टाइपेंड के बारे में, PG का कैसा क्या पैटर्न है, उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि BAMS मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये कोर्स पूरा 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपके 4.5 ईयर्स की आपकी स्टडी होती है और 1 ईयर की आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। इसमें अगर मैं 4.5 ईयर की बात करूं, तो अभी पहले क्या था कि एक एक साल का होता था, मतलब हर ईयर, जैसे कि फर्स्ट ईयर है तो वो 1 साल का होगा, सेकेंड ईयर 2 साल का होगा, इस तरह से। लेकिन अभी पैटर्न चेंज हो गया है, अभी आपको क्या है कि पूरे BMS का ये जो 4.5 साल का जो पूरा कोर्स है, इसको उन्होंने 3 प्रोफेशनल ईयर में डिवाइड किया हुआ है, एंड 1 प्रोफेशनल ईयर इज इक्वल टू 1.5 ईयर। मतलब कि आपको अभी ये जो आपका 1 प्रोफेशनल ईयर होगा BMS का, ये आपका 12 मंथ्स का नहीं बल्कि 18 मंथ्स का होगा, ठीक है। इस तरह से आपके पूरे 4.5 साल जो है ये 3 प्रोफेशनल ईयर में डिवाइड किए जाएंगे, उसके बाद आपकी 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप होती है। अभी बात करते हैं कि इसमें एग्जाम्स वगैरह कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो, हर साल मतलब कि आपके हर प्रोफेशनल ईयर में आपके 2 इंटरनल असेसमेंट, यानी कि जो आपका आप टर्म समझ सकते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एग्जाम होते हैं हर 6 महीने पर, ठीक है। तो पहले 6 महीने के बाद पहला टर्म, फिर दूसरे 6 महीने के बाद दूसरा टर्म, ये आपके कॉलेज में होते हैं, इंटरनल एग्जाम होते हैं। और जो तीसरा आपका एग्जाम होता है वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, जो कि आपके उस ईयर का फाइनल एग्जाम होता है। जैसे कि अभी मेरा सेकेंड टर्म खत्म हुआ है और अब जो मेरा 6 महीने बाद एग्जाम होने वाला है वो BMS फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो दैट विल बी यूनिवर्सिटी एग्जाम। उसके बाद मैं बात करूँ पीरियोडिक असेसमेंट, PA वगैरह आपने सुना होगा। तो पीरियोडिक असेसमेंट जो होता है हमारा, वो हर 2 महीने पर होता है, मतलब ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है। कॉलेज किस तरह से लेता है वो अंदर की बातें हैं, बट फिर भी हर 2 महीने पर डिज़ाइन किया गया है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो हमारे BMS फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के टोटल 9 पीरियोडिक असेसमेंट होने होते हैं, ठीक है। तो हर 2 महीने पर हमारे 1 PA होने होते हैं, तो उस तरह से हमारे 18 महीने में 9 PA होने होते हैं हर एक सब्जेक्ट के। अब होता क्या है कि पहले ये था कि आपको जो इंटरनल एग्जाम था उसमें पास होना ज़रूरी होता था, ठीक है। लेकिन अभी वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होते हैं कॉलेज में, आपका इंटरनल हो गया यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, उसके अलावा जो आपका पीरियोडिक असेसमेंट होगा, इन सब का एक एवरेज जाता है 30 मार्क्स में से निकल के, और वो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ऐड होता है। तो गाइज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप पीरियोडिक असेसमेंट स्किप नहीं कर सकते, आप टर्म एग्जाम स्किप नहीं कर सकते, मतलब इससे आपका ही घाटा होने वाला है। कि ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार क्या ही है, सिर्फ एवरेज ही तो जाना है, ऐसा है वैसा है, बट उससे आपके मार्क पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे कॉलेज में UG का स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो देखो, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने हर एक BMS कॉलेज के लिए 11,000 स्टाइपेंड रखा हुआ है, ठीक है। तो 11,000 आपको मिलेंगे UG के इंटर्नशिप में। और PG में अगर हम लोग बात करें, तो देखो हमारा जो कॉलेज है, यहाँ पर PG का जो कोर्स है वो कम्प्लीटली प्राइवेट है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो UG, हमारा जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट एडेड है, बट यहाँ पर जो PG का जो कोर्स चलता है वो कम्प्लीटली प्राइवेट है, और प्राइवेट के लिए कहीं भी कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है, मेरे ही कॉलेज में नहीं बल्कि किसी भी कॉलेज में नहीं मिलता है। कोई बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हाईफाई कॉलेज होगा तो फिर वहाँ पर आपको मे बी आपको 2-3 हज़ार वो दे देंगे, बट वैसे प्राइवेट में मिलता नहीं है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि आपको इंटर्नशिप में कैसे क्या करना है। तो जैसा कि आप सबको अभी स्ट्रक्चर पता है कि गवर्नमेंट ने हमारा इंटर्नशिप कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको 6 महीने इंटर्नशिप यानी 6 महीने की जो भी आपकी ट्रेनिंग है उसमें आपको अपना एलोपैथी में करना है और 6 महीने आयुर्वेदिक में करना है, ठीक है। अभी हर आयुर्वेदिक का कैसे क्या होगा, आप पहले आयुर्वेदिक करोगे या पहले एलोपैथिक करोगे, ये सारी चीज़ें कॉलेज वाइज भी डिफर कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है कि
मतलब इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स भी डिवाइड किए जाते हैं कि टॉप 60 वाले जो हैं वो पहले आयुर्वेदिक की करेंगे और फिर बाद वाले भी फिर उनकी आयुर्वेदिक लगेगी, इस तरह से। लेकिन अगर ओवरऑल ऑफ आप पैटर्न देखें तो 6 महीने आपकी आयुर्वेदिक और 6 महीने आपकी एलोपैथिक लगती है। तो जो 6 महीने आपकी आयुर्वेदिक लगती है वो आपकी कॉलेज में ही होती है, मतलब कि हमारे कॉलेज में ही इंटर्नशिप होगी वो 6 महीने। उसके बाद आपका जो बाद का 6 महीने का होता है, यानी कि आपको जो एलोपैथी की करनी होती है, उसमें आपका डिवाइडेड होता है। आप प्राइमरी हेल्थ केयर में जाते हो और फिर इस तरह से रूरल RHC PHC में आपका लगता है, ठीक है। तो इस तरह से इंटर्नशिप पूरी डिवाइडेड होती है। और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो इंटर्नशिप में आपको हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। इंटर्नशिप में आपका मोस्टली पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंट्स का ही काम करते हैं आप, ठीक, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वर्क जो होता है वो PG वाले हैंडल करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्टाइपेंड इन माई कॉलेज, PG कैसा है, UG कैसा है। साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो में BMS के पूरे कोर्स के बारे में बताया, किस तरह से कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, क्या एग्ज़ाम्स वगैरह हैं। तो अभी भी आपको कोई भी मेरे कॉलेज के बारे में और मेरी नो माई कॉलेज सीरीज़ की ये सेकेंड वीडियो है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि सेकेंड वीडियो मेरी कट ऑफ पे होने वाली है, बट अभी कट ऑफ के बारे में मुझे थोड़ा सा और सर्च करना है, स्टडी करनी है, क्योंकि मैं इस तरह से कुछ भी नहीं बता सकती। मुझे जब तक कंफर्म नॉलेज नहीं हो जाती मैं आप तक वो चीज़ नहीं दूंगी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा भी उसके लिए टाइम लगेगा। तो हमारी जो थर्ड वीडियो होगी मे बी उसमें या फिर उसके बाद वाली किसी वीडियो में मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगी। बाकी आपको आप और क्या जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।